बेमिसाल गढ़वाल, एक आंदोलन चला रहे हैं आप, एक ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद भविष्य में एक आंदोलन का रूप ले और उत्तराखंड और विशेषकर गढ़वाल का जो चेहरा है उसे बदल के रख दे। तो कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको? विकल्पों को ना चूज करते हुए ये डिसाइड किया है कि एक छोटे तरीके से कुछ पॉजिटिव करना शुरू करूँ जिससे मैं लोगों के जीवन में कुछ एक डिफरेंस ला सकूँ। पौड़ी जिले का तो आपने बहुत गहनता से परीक्षण किया है, निरीक्षण किया वहाँ पे, तो क्या अनुभव आया आपका जो ये काम चल रहा है? जो बात भी मैंने एक साल में देखा है उससे मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हुआ हूँ कि उत्तराखंड के लोगों में वो क्षमता है जिसकी वजह से, इसका मुझे आभास तो था क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड का हूँ, मैं भी उन्हीं सिद्धांतों से या उसी वैल्यू सिस्टम से बड़ा बड़ा हूँ। बीजेपी की सरकार है तो क्या आप अपने उस थिंक टैंक्स के माध्यम से इसको पॉलिसी लेवल पे इस पोटेंशियल का किस तरह से सदुपयोग किया जाए? हमारा थिंक टैंक है वो तो जनरली नेशन की, मतलब इंडिया फाउंडेशन तो देश की नीतियों के बारे में काम करता है, इतना उसका बड़ा संस्था नहीं है कि हम हर स्टेट में जाकर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम कर सकें। फेस टू फेस में इस बार मिलिए इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर और एक्टिविस्ट शौर्य डोभाल से 1 सितंबर शनिवार शाम 6 बजे साधना उत्तराखंड के स्टेट हेड धीरेन्द्र प्रताप सिंह के साथ सिर्फ साधना प्लस पर।